भारत के प्रसिद्ध पंडित खेल शास्त्री बाबा जी के, उनका नंबर है +91 9660 725296। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशीकरण स्पेशलिस्ट में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्त्री वशीकरण करने के तरीके, बहुत सारे ऐसे रोचक टोटके जिनसे आप आसानी से किसी भी स्त्री को वश में कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्त्री वशीकरण करने के कुछ उपाय। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें वशीकरण स्पेशलिस्ट को, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में इस मंत्र को 108 बार जाप कर पूजा वाली एक सुपारी अभिमंत्रित कर लें। फिर इस सुपारी को जिस स्त्री को खिला देंगे वो आपके वश में हो जाएगी। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम क्तिम सह अमुक वश कुरु कुरु स्वाहा। अमुक के स्थान पर आपको उस स्त्री का नाम बोलना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। इस मंत्र के प्रयोग के द्वारा किसी वशीकरण स्त्री को मुक्त भी करा सकते हैं और वश में भी किया जा सकता है। प्रयोग से पहले अपने आप को स्नान करके शुद्ध कर लीजिए। सुपारी साबुत लेनी है और जो पूजा में प्रयोग की जाती है उसे ही अभिमंत्रित करें, तभी इस मंत्र का सफल प्रयोग किया जा पाएगा। इस मंत्र को लाखों लोग आजमा चुके हैं और फायदा उठा चुके हैं। आप भी इस मंत्र के द्वारा फायदा उठा सकते हैं। स्त्री वशीकरण करने के कुछ और उपाय इस प्रकार हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसे चाहते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर आप किसी व्यक्ति को चाहें तो बदले में वो भी आपको चाहे, पर आप उसके बिना रह भी नहीं पाते और किसी भी हालत में उसे पाना चाहते हैं। जो कि अगर आप सामान्य रूप से ये सब सच होते देखना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल है, बाकी आपकी किस्मत पर है। पर वशीकरण ऐसी शक्ति है जिसके प्रयोग से आप जो चाहें पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ वशीकरण के ऐसे ही उपाय। पूर्वा फागुनी नक्षत्र में अनार की लकड़ी तोड़कर लाएं, धूप देकर उसे अपनी दाई भुजा में बांध लें तो कोई भी स्त्री वशीभूत हो जाएगी। काकजंघा, तगर, केसर, इन सबको पीसकर स्त्री के मस्तक पर तथा पैर के नीचे डालने पर वो वशीभूत होती है। छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, कागड़ सिंघी, ये सभी सामग्री को इकट्ठा कर धूप बना दें। जिस स्त्री के सामने लगातार 5 दिन तक धूप देंगे वो वशीभूत हो जाएगी। कई बार पति किसी दूसरी स्त्री के चंगुल में आ जाता है, तो अपना घर बचाने के लिए स्त्रियां ये प्रयोग कर सकती हैं। गुरुवार की रात 12 बजे अपने पति के थोड़े से बाल काटकर जला दें, बाद में उसकी राख को मसल दें, अवश्य ही जल्दी आपका पति आपके पास आ जाएगा। शुक्ल पक्ष की रविवार को 5 लौंग शरीर में ऐसे स्थान पर रखें जहां पसीना आता हो, इसे सुखाकर इसका चूर्ण बना लें, चाय में डालकर जिस किसी को पिला दी जाए वो आपके वश में हो जाता है। यदि किसी स्त्री को वश में करना है तो भोजपत्र का टुकड़ा लेकर उस पर लाल चंदन से उस स्त्री का नाम लिख के उसे 3 दिन के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, उसके बाद उसे शहद की डिब्बी में डुबोकर रख दें, इससे वो स्त्री आपके वश में आ जाएगी। स्त्री को वश में करने के लिए सबसे पहले उस लड़की का नाम एक लाल स्केच पेन से सफेद कागज पर लिखें और उस कागज को फोल्ड करके उसे जला दें। उसके बाद उस कागज की राख को पानी या चाय में मिलाकर पी लें। भारत के प्रसिद्ध पंडित खेल शास्त्री बाबा जी के, उनका नंबर है +91 9660 725296। इससे वो लड़की आपके वश में आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थे बहुत सारे उपाय स्त्री वशीकरण करने के।